हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आज हम समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि लिंग डिमांड का 10% रूल क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। अभी हम समझेंगे कि ऊर्जा पिरामिड में इसका किस प्रकार से यूज है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। लिंग डिमांड का 10% रूल होता क्या है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्पादक के अंतिम उपभोक्ता तक फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर पिछले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है तथा शेष 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर से जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो जैसे कि ये हमारा सन है, ये हमारा उत्पादक है और ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है, ये हमारा द्वितीयक उपभोक्ता है और ये तृतीयक उपभोक्ता है। तो जो एनर्जी है ये प्राथमिक उपभोक्ता को किससे मिलेगा? सूर्य से मिलेगा एनर्जी। इसका एनर्जी ये अपना यूज करेगा, 90% एनर्जी अपना जैविक क्रियाओं में करेगा, शेष 10% एनर्जी किस में ट्रांसफ़र करेगा? प्राथमिक उपभोक्ता में करेगा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेगा? 90% अपना एनर्जी का यूज़ किस में करेगा? अपने जैव क्रियाओं में करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसका जो है 10% वो द्वितीयक में भेजेगा, फिर वो द्वितीयक जो है उसका 10% तृतीयक में भेजेगा। अर्थात इस प्रकार से ये चेन चला करती है, यानी कि प्राथमिक जो है अपना 90% यूज करके 10% सॉरी द्वितीयक में भेजेगा, द्वितीयक तृतीयक में भेजेगा, तृतीयक चतुर्थक में भेजेगा। अर्थात ये क्रियाएँ एक क्रम से चला करती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मतलब कि आधार यानी उत्पादक जो होता है वो अपना मतलब कि 10% रूल जो है वो जो एनर्जी है वो दूसरे में ट्रांसफ़र करेगा, फिर जो दूसरा है वो तीसरे में, मतलब ये एक क्रम से चला करता है। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि जो उत्पादक के अंतिम उपभोक्ता तक फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर पिछले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है। यानी कि जो पिछले स्तर का कितना एनर्जी केवल दूसरे में जा पाता है? 10% ही जा पाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि लिंडमैन का 10% रूल क्या होता है। लिंडमैन का अगर कोई पूछता है कि लिंडमैन का 10% रूल क्या होता है, तो डायरेक्ट ये बताना है कि प्रत्येक जो पोषक स्तर है वो अपने 90% एनर्जी का यूज़ करता है अपनी जैविक क्रियाओं में, सिर्फ 10% क्या करता है वो दूसरे स्तर में ट्रांसफ़र कर देता है। सिंपल सा है कि 90% अपनी जैविक क्रियाओं में यूज़ करेगा और 10% जो है वो दूसरे स्तर में ट्रांसफ़र कर देता है। इस प्रकार हमने समझा कि लिंडमैन का 10% रूल क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे कि होता क्या है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो जो उत्पादक उपभोक्ता इन सब के बीच जो संबंध एक चित्र के माध्यम से जब हम दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? एल्टन ने किया था। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पर मतलब कि ये नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। इसकी खोज किसने किया था? एल्टन ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था। 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड की खोज किसने किया था? एल्टन ने किया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड पिरामिड कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछी हुई कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है डिफिनेशन, तो क्या बोलेंगे कि उत्पादक उपभोक्ता इनमें जो संबंध एक जब हम चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और इसकी खोज 1927 में एल्टन ने किया था, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार आपको गुमराह करने के लिए ये पूछ सकता है कि एल्टोनियन पिरामिड क्या होते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? एल्टोनियन पिरामिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज एल्टन ने किया था। इस प्रकार हमने पहले समझा कि लिंडमैन का 10% रूल क्या है और फिर इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। लिंडमैन का 10% रूल क्या कहता है कि जो प्रत्येक स्तर है वो अपने 90% एनर्जी का यूज जो है
वो अपनी जैविक क्रियाओं के लिए करेगा, शेष 10% जो है वो दूसरे में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड समझा कि इसकी खोज किसने किया था और इसकी डिफिनेशन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रकार क्या हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला है संख्या पिरामिड, फिर जैव भार पिरामिड, फिर ऊर्जा पिरामिड। संख्या के आधार पर इसे संख्या पिरामिड कहा जाता है, भार के आधार पर जब विभक्त किया इसलिए इसको जैव भार पिरामिड कहते हैं, और एनर्जी के अकॉर्डिंग जो विभक्त किया उसे ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। अब हम समझते हैं कि संख्या पिरामिड क्या होता है। तो संख्या पिरामिड क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है डिफिनेशन में, उत्पादकों तथा क्रमिक रूप से बढ़ते पोषण स्तरों की जीवों की संख्या के मध्य संबंधों को दर्शाता है। यानी किसके पोषण स्तर जितने भी हैं, उत्पादक और उसके जो अगला पोषण स्तर है उनके मध्य के संख्या को ये दर्शाता है। संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ सकता है क्या संख्या पिरामिड केवल उल्टा होता है, कि संख्या पिरामिड केवल सीधा होता है, या संख्या पिरामिड दोनों प्रकार से हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है या सीधा हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, संख्या पिरामिड दोनों प्रकार से हो सकते हैं, उल्टा और सीधा दोनों। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उदाहरण घास स्थल एवं फसल स्थली पारितंत्रों के जैव संख्या पिरामिड सीधे होते हैं। यानी जो घास और फसल का जो संख्या पिरामिड होगा वो सीधा होगा, और वृक्ष का जैव संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। तो हमें ये समझा कि क्यों उल्टा बनेगा, क्योंकि वृक्ष के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पाद की संख्या केवल एक मात्र है। तो इसको तो मैंने डिफिनेशन के तौर पर समझा कि किसका उल्टा बनेगा किसका सीधा बनेगा, उल्टा किसका बनेगा वृक्ष का, सीधा किसका बनेगा घास और फसल का सीधा बनेगा। अब हम समझते हैं एक फिगर के माध्यम से कि किस प्रकार से किसका उल्टा बनता है, किसका सीधा बनता है और क्यों बनता है। तो हम समझते हैं, तो ये उल्टा है और ये सीधा है। उल्टा किसका है, वृक्ष का, भी मैंने पहले स्लाइड में पढ़ा था कि जो वृक्ष का संख्या पिरामिड है वो सदैव उल्टा बनता है। तो देखिए ये वृक्ष एक है, उसके बाद उस पर चिड़िया कितनी होंगी, कई चिड़िया होंगी, या इस पर कई चिड़िया होंगी, तो कीट कितने होंगे, वो चिड़िया पर परजीवी और अधिक पाए जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए, पहले एक था, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, कि कैसे बना, एक प्रकार से उल्टा बना ना। ये देखिए ये उल्टा बना, तो इसलिए संख्या पिरामिड क्या होता है, सदैव वृक्ष का उल्टा होता है। उसके बाद देखते हैं घास का। तो घास क्या है, घास है, घास तो बहुत ज़्यादा होंगी ना, उस पे कीट उससे कम होंगे, घास तो छोटे 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 कई ज़्यादा होंगे, फिर कीट उससे कम होंगे, फिर मेंढक उससे कम होगा, फिर सांप उससे कम होगा। तो इसका कैसा बनेगा संख्या पिरामिड, सदैव सीधा बनेगा। इस प्रकार हमने समझा कि किसका उल्टा बनता है और किसका सीधा बनता है। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हमें ऐसे ही डिफिनेशन को डायग्राम के द्वारा बताना है, और फिर या अगर रिटर्न में आ गया तो ऐसे, नहीं तो अगर एग्जाम में प्रीलिम्स में आता है तो अगर पूछ सकता है किसका उल्टा बनेगा और किसका सीधा बनेगा, तो हम क्या बताएंगे कि वृक्ष का सदैव जैव संख्या पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है, क्योंकि वृक्ष की पहला पहले एक वृक्ष है, उस पर कई चिड़िया बैठेंगी, फिर चिड़ियों पर कई सारे ढेर सारे परजीवी पाए जाएंगे, इसलिए उसका क्या है, संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा रहेगा। और जो है घास का कैसा रहेगा, घास और फसल का सदैव सीधा रहेगा, क्योंकि घास ढेर सारे घास है छोटे छोटे छोटे, उस पर कीट कितने, उनसे कम पाए जाएंगे, फिर जो कीट को खाने वाले मेंढक हैं वो उनसे कम होंगे, फिर मेंढक को खाने वाले सांप जो हैं वो उनसे कम होंगे। तो इस प्रकार हमने समझा कि संख्या पिरामिड का क्या होते हैं, ये सदैव उल्टा भी हो सकते हैं और सीधा भी हो सकते हैं, और किसका उल्टा होता है और किसका सीधा होता है। इस प्रकार हमने अभी तक कितने टॉपिक पढ़े, हमने पढ़ा कि लिंडमैन का 10% रूल क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, फिर उसका खोज किसने किया था, फिर उसको एल्टोनियन पिरामिड क्यों कहते हैं, फिर कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने समझा जैव संख्या पिरामिड क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जैव भार पिरामिड क्या होता है। तो जैव भार पिरामिड क्या होता है,
पारिस्थितिकी तंत्र में सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल शुष्क भार का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, यानी इसमें जो जीवों के भार का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, जीवों के भार के बारे में बताया गया है। जैव भार पिरामिड को आधार पर सदैव प्राथमिक उपभोक्ता को भार दर्शाया जाता है। तो उसके आधार पर किसको दर्शाया जाता है? सदैव प्राथमिक स्तर का जो भार होता है उसको दर्शाया जाएगा, जबकि आधार के ऊपर के भागों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के भार को दर्शाया जाता है, यानी उत्पादक को पहले दर्शाया जाएगा, जो उसके बाद क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, इस प्रकार उसको दर्शाते हैं। तो ये क्या है, जैव भार पिरामिड भी सीधा सदैव सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी जैव संख्या पिरामिड भी सीधे व उल्टे हो सकते हैं और जैव भार पिरामिड भी सीधे व उल्टे हो सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे, जबकि जलीय पारितंत्र के जैव भार पिरामिड उल्टा होते हैं, यानी कि वन और घास के सदैव सीधे होंगे और जल के हमेशा उल्टे होंगे। हमने क्या समझा था पहले संख्या पिरामिड में कि किसका उल्टा होता है, संख्या पिरामिड में सदैव किसका, वृक्ष का उल्टा होता है, उसके बाद सीधा किसका होता है, घास का होता है। तो और जैव भार पिरामिड में वन एवं घास का सदैव सीधा होगा और उल्टा किसका होगा, जल का होगा, यानी इसमें जल का होता है और उसमें किसका होता है, वृक्ष वृक्ष का होता है। अब इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं किसका उल्टा होता है और किसका सीधा होता है। सीधा और उल्टा, पहले देखते हैं उल्टा। तो इसमें क्या है, शैवाल है, शैवाल को क्या खाएंगे, जलीय पिस्सू खाएंगे। फिर जलीय पिस्सू को कौन खाएगा, छोटी मछली खाएंगे। फिर छोटी मछली को कौन खाएगा, बड़ी मछली खाएगी। तो जो शैवाल का जो भार होगा कम होगा उसके बाद, ठीक है, 1 ग्राम मान लीजिए इसका कितना है, 1 है। फिर जलीय पिस्सू का कितना है, 10 है। छोटी मछली क्या होंगी, 100 होंगी। छोटी मछली को खाने वाली बड़ी मछली मछली के क्या कितनी होंगी, 1,000 होंगी। तो देखिए कि इस प्रकार बन रहा ना, इस प्रकार। तो पहले ज़्यादा, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इसलिए जलीय पारितंत्र का हमेशा जैव भार पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा। सीधा किसका होगा, वृक्ष का होगा, वृक्ष है ना, वृक्ष का ज़्यादा होगा भार। फिर उसको खाने वाली चिड़िया, वृक्ष का 100 है, तो उस पर बैठने वाली चिड़िया कितनी होंगी, उनका भार कितना होगा, 10 होगा। फिर उस पे बैठने चिड़िया पर बैठने वाले कीट जो होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। तो इस प्रकार इसका कैसे, सीधा है, यानी कि जल का उल्टा और वृक्ष का सीधा होता है। तो इस प्रकार हमने अभी तक क्या समझा कि पहले 10% रूल क्या है, उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड कौन 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 से क्या होते हैं, खोज किसने किया था, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, फिर जैव संख्या पिरामिड क्या है, किसका उल्टा होता है, जैव संख्या में किसका उल्टा होता है, सदैव वृक्ष का उल्टा होता है, फिर जैव भार में हमेशा जल का उल्टा होता है। यानी कि ये टॉपिक हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो क्या है, जैव भार पिरामिड क्या होता है, सॉरी ऊर्जा पिरामिड क्या होता है। जैव भार तो हमने पढ़ लिया, आप समझते हैं ऊर्जा पिरामिड क्या होता है। तो ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। यानी कि जो किसी भी इकोसिस्टम में जो मतलब कि जितने भी पोषण स्तर हैं उनके द्वारा कितनी मात्रा में ऊर्जा का यूज होता है और कितना प्रयोग में लाया जाता है, उसका जो मतलब कि फिगर के माध्यम से उसको जो ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। इसे कैलोरी एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में व्यक्त करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें, कैलोरी एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में व्यक्त करते हैं। यानी ऊर्जा पिरामिड को किसमें किसमें व्यक्त करते हैं, कैलोरी एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में व्यक्त करते हैं। आ जाएगा क्वेश्चन में कि ऊर्जा पिरामिड का मापक क्या होता है, कैलोरी होता है कि एकांक क्षेत्रफल होता है कि एकांक समय होता है, तो हमें टिक लगाना तीनों पर। फिर ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप वो मतलब की पॉइंट है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होता है, सीधा होता है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो हम समझते हैं एक फिगर के माध्यम से।
अभी हमने देखा, मतलब पहले स्लाइड में ऊर्जा का 10% रूल क्या होता है, तो उसका यूज़ इसमें किस प्रकार से है हम देखते हैं। तो जैसे कि घास है, घास को एनर्जी कहाँ से मिली? सूर्य से मिली। सूर्य से मिली कितनी एनर्जी? 1000 कैलोरी। अभी हमने पढ़ा था ना किस में व्यक्त करते हैं, पिछली स्लाइड में, 1000 कैलोरी एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय। तो ये मान लीजिए इसको एनर्जी कितनी मिली? मिली 1000 कैलोरी। किससे मिली? सूर्य से मिली। अब ये कितना इसको देगा? जितना 1000 है उसका कितना देगा? 10% देगा, ठीक है। लेकिन रिमैन ने बताया था ना कि अपनी एनर्जी का 90% यूज़ करके 10% ही ट्रांसफ़र करता है, तो 10% देगा तो 1000 बचेगा। 10,000 था, ये 1000 बचा, फिर तो इसको 10% ये देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि जो पहला है उसको ज़्यादा एनर्जी उसके पास है, फिर उससे कम दूसरे में है, फिर उससे कम तीसरे में, फिर उससे कम मान लीजिए यहाँ पे होगा सांप, तो उससे कम जो है चौथे में होगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि जो जैव ऊर्जा पिरामिड होता है, यानी जो एनर्जी पिरामिड होता है, वो सदैव सीधा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो उत्पादक यानी कि जो प्रथम पोषण स्तर है वो यूज़ करता है, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो इस प्रकार हमने आज का टॉपिक सारे कंप्लीट किया, पहले लिंड बैंड, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड, फिर उनके प्रकार, संख्या पिरामिड क्या होता है, फिर उसके बाद जैव भार पिरामिड क्या होता है, उसके बाद ऊर्जा पिरामिड। कल का हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब दूसरा होगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।